मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे लंबा दिन होने वाला है, क्योंकि इस लंबे दिन की शुरुआत होती है एक छोटे से सफर से। तो मैं मडगांव के कदम्बा बस स्टैंड से ये इलेक्ट्रिक बस पकड़कर प्रस्थान कर जाती हूँ पंजिम की ओर। इस बस का किराया तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी सुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा है। परंतु सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं गोवा की राजधानी पंजिम में, जहाँ पहुँचते ही मेरी मुलाकात होती है इन खुश मिजाज वीडी स्पेस के मेंबर से, जिनसे मुलाकात करने के बाद ही मैं निकल जाती हूँ पंजिम के बचे हुए पोर्चुगीज घरों से मिलने। और मेरी मुलाकात जिनसे होती है उनसे मिलने की मैंने कोशिश बहुत की, पर आज जब मैंने कोशिश नहीं की तो मैं खुद ब खुद उनके पास चली आई, जो कि है मैंग्रोव, जिनकी मुझे यहाँ मिलने की जरा से भी भनक नहीं लगी, क्योंकि मैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी के पास इस ढांचे को देखने आई थी। पर मुझे दिखता है ये बोर्ड वॉक, जो कि एक छोटे से मैंग्रोव स्पीशीज से घिरा हुआ है। ये मैंग्रोव हमें बहुत सारी आपदा से तो बचाते ही है, उसके साथ साथ ये बहुत सारे जीव जंतुओं का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस इकोसिस्टम को तबाह न करके इसे एक ऐसा रूप दिया है जिससे ये खुद भी जीवित रह सके और हमारे जीने का सहारा भी बन सके।